हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल मैथमेटिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ का बेसिक फार्मूला जो जानेंगे, जो VVI फार्मूला रहेगा, जो डिफरेंटिएशन पर आधारित है। चलिए फर्स्ट में देखा जाए, यहाँ पर देखिए sin s का डिफरेंटिएशन पूछ रहा है, जो s के सापेक्ष पूछ रहा है। यहाँ पर यानी sin s का डिफरेंटिएशन मेरा हो जाएगा cos x, उसी तरह तीनों नंबर कर रहा है cos s का डिफरेंटिएशन का जाएगा तो माने sin x हो जाएगा। तीन नंबर कर रहा है कि tan s का डिफरेंटिएशन का sec स्क्वायर x हो जाएगा। चलिए इसको दिखाते हैं किस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे d sin x का डिफरेंटिएशन x के सापेक्ष पूछा जाए तो बोलिएगा कि cos x होता है। क्या होता है बाबू? cos x होता है। उसी तरह से अगर दे दिया जाए कि d sin x का डिफरेंटिएशन क्या होगा बाबू, तो बोलिएगा cos x होता है। ये मेरा फर्स्ट का फॉर्मूला हो गया। जैसे sin s का डिफरेंटिएशन क्या होगा तो cos x हो जाएगा। उसी तरह से टू नंबर देखा जाए, टू नंबर तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए cos x का डिफरेंटिएशन पूछा जाए तो बोलिएगा कि माइनस में क्या हो जाएगा बाबू, sin x। यहाँ पर माइनस इसलिए होता है क्योंकि कोई भी डिफरेंटिएशन में देखा जाता है d के स्टार्टिंग में अगर c लगा हो तो माइनस लगा के फॉर्मूला के स्टार्ट तैयार किया जाता है। जैसे यहाँ पर cos x का डिफरेंटिएशन माइनस sin x इसलिए लिखे क्योंकि कोई भी डिफरेंटिएशन में अगर c का स्टार्टिंग होके तो मेरा आंसर क्या तैयार करते हैं, वो माइनस लगा के करते हैं। उसी तरह माइनस sin x हो जाएगा। तीन नंबर देखा जाए, वास्तव में तीन नंबर देखा जाए तो दिया है जैसे tan x का डिफरेंटिएशन क्या होगा इसके सापेक्ष, तो ये हो जाएगा बाबू क्या बाबू, sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। इसमें माइनस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी डिफरेंटिएशन में d के स्टार्टिंग में अगर t हो चाहे ये सो तो माइनस नहीं देता है रिजल्ट में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर cos होता तो क्या हो जाता बाबू, माइनस वही देता है। इतना याद रखिएगा। चलिए उसके आगे देखा जाए, उसका आगे दिया है फोर नंबर, cos x का डिफरेंटिएशन क्या होता है तो बोलिएगा कि माइनस में cos x इंटू cot x होता है। फाइव नंबर दिया है sec x का डिफरेंटिएशन क्या होगा तो बोलिएगा sec इंटू tan x होता है। सिक्स नंबर दिया है cot x का डिफरेंटिएशन जो x से सापेक्ष क्या होगा तो बोलिएगा कि माइनस में cos स्क्वायर x होता है। देखिए यहाँ पर सिक्स नंबर में माइनस इसलिए लग रहा है कि कोई भी डिफरेंटिएशन में स्टार्टिंग में आपसे बोले थे क्या c होना चाहिए, c होगा तो क्या होगा, माइनस में होना चाहिए। इसलिए सिक्स में क्या हो जाएगा बाबू, माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। जैसे आपको एक दिखा देते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपसे बताया गया था कि d माइनस d इंटू cos x का cos x का x के सापेक्ष डिफरेंटिएशन क्या होगा बाबू देता है इस तरह से, तो क्या बोलेगा कि माइनस में cos x, माइनस में cos x x इंटू मैंने गुणा cot x होता है। क्या होता है बाबू, cot x। इतना याद रखिएगा, कोई भी डिफरेंटिएशन में स्टार्टिंग और सी हो तो भी माइनस लगता है, इतना याद रखिएगा। उसी तरह से देखा जाए सिक्स नंबर, देखिए यहाँ पर सिक्स नंबर दिया है जैसे d cot x, यहाँ पर लिखा है क्या cot x, पूछ रहा कि s के सापेक्ष डिफरेंटिएशन क्या होगा तो ये बोलिएगा कि माइनस में cos x होता है। क्या होता है बाबू, cos स्क्वायर x होता है, cos स्क्वायर x होता है। क्योंकि कोई भी डिफरेंटिएशन बार बार हम बोल रहे हैं कि डिफरेंट c होगा तभी माइनस लगाएगा, अगर c नहीं रहता है तो माइनस नहीं लगेगा। उसी तरह से चलिए आगे देखा जाए, उसी तरह से अगर डिफरेंटिएशन में कोई इन्वर्स जैसे बोलता है, कोई इन्वर्स इन्वर्स का फॉर्मूला देख क्या होता है, देखिए आप सेवन नंबर कह रहा है कि साइन वर्स x का डिफरेंटिएशन क्या होगा इसके सापेक्ष, तो इन्वर्स के लिए बाबू होता है जैसे वन बटा रूट में वन माइनस एस स्क्वायर। उसी तरह से मान लीजिए कि एट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos इन्वर्स x का डिफरेंटिएशन क्या होगा तो वन बटा माइनस में रूट में वन माइनस में एस स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लग जाएगा कोई भी डिफरेंटिएशन में क्या c होगा तो इतना याद रखिएगा। उसी तरह से tan इन्वर्स x का डिफरेंटिएशन पूछा है तो वन बटा बटा में क्या जाएगा वन प्लस एस स्क्वायर। उसी तरह से इतना याद रखिएगा क्योंकि कोई भी डिफरेंटिएशन में स्टार्टिंग में अगर सी होता है तभी माइनस लगाते हैं, ये इन्वर्स के मेरा फॉर्मूला है। उसी तरह से आगे देखिए, चलिए आगे देखा जाए, टेन नंबर कह रहा है कि cos इन्वर्स x का डिफरेंटिएशन क्या होगा तो बोले कि माइनस वन बटा रूट में x इंटू रूट में एस स्क्वायर माइनस वन होता है। उसी तरह से दिया sec इन्वर्स x का डिफरेंटिएशन x के सापेक्ष क्या होता है तो बोलिए कि वन बटा एक्स इंटू रूट में एस स्क्वायर माइनस वन होता है। उसी तरह से दिया है cot इन्वर्स x का तो वन माइनस में वन बटा रूट बटा में वन प्लस एस स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पर
कोई भी डिफ्रेंटिएशन में अगर इन्वर्स जैसे बोलता है, जैसे मान लीजिए कि कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंटिएशन एक्स से सापेक्ष बोलता है, तो देखिए स्टार्टिंग का सी तो मेरा है क्या माइनस, तो नीचे ठेक लेगा, उसी तरह से मैंने बाटा हो जाएगा वन और नीचे हो जाएगा क्या बाबू एस स्क्वायर वन माइनस एस स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाबू वन माइनस एस स्क्वायर, ये फॉर्मूला मेरा तैयार हो जाएगा। उसी तरह से आपको कोई पूछता है जैसे कि टेन इन्वर्स एक्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कि टेन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंटिएशन क्या होगा, तो इतना आप देखिए कि स्टार्टिंग में क्या है टी है तो माइनस नहीं आएगा जाए, यानी मेरा हो जाएगा वन बटा वन प्लस में एस स्क्वायर, क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डिफ्रेंटिएशन में टी है, स्टार्टिंग में क्या है टी है, इसलिए माइनस नहीं आएगा। इस फॉर्मूला के इसी तरह से आप बेसिक को अच्छे से याद कीजिए, इसी बेसिक के आधार पर आपको एग्जाम में जो टी टाइपिंग करता है बोर्ड वाला भी। यहाँ पर देखिए इसी तरह से आप इस फॉर्मूला को अच्छे से एक दो बार रिवीजन कीजिए, अगर इस फॉर्मूला को अच्छे से अगर रिवीजन करते हैं तो आपको आगे चल के सवाल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इंटर का कोई भी मैथ का क्वेश्चन है सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक सबसे पहले मजबूत चाहिए, अगर इस बेसिक को अच्छे से नहीं तैयारी करते हैं अच्छे से तो आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगा। थैंक दोस्त।